आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। अरुणाचल ईस्ट कंस्टिट्यूंसी से श्री तपीर गौ जी, थर्ड टाइम यहाँ के एमपी जीत गए हैं, तो आप यहाँ थर्ड टाइम जीतने के बाद आपके ये क्या नेशनल इश्यूज के लिए आपके क्या स्टैंड रहेंगे सर? अभी देखिए, ये जीत तपीर गौ का जीत नहीं है, ये जीत बीजेपी कार्यकर्ता का और ये जीत अरुणाचल ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के पब्लिक का जीत है। और मुझे भरोसा करके थर्ड टाइम एमपी भेजने के कारण आज डबल इंजन सरकार है दिल्ली में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी। पेमा खांडू और चन्नामन जी के नेतृत्व में सरकार बनेंगे, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑलरेडी ऐलान कर चुका है, रोड कम्युनिकेशन बहुत हुए हैं, ब्रिजेस, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज सारा सब हुए हैं, लेकिन फर्स्ट प्रियोरिटी विल बी एजुकेशन एंड हेल्थ। और एजुकेशन एंड हेल्थ को ज़्यादा प्रियोरिटी देंगे और पार्लियामेंट में हो और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से जो भी होगा अरुणाचल प्रदेश का बहुत सा ऐसा डिपार्टमेंट है उसको देखना है, फिर भी एजुकेशन एंड हेल्थ विल बी द प्रायोरिटी ऑफ अरुणाचल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अरुणाचल प्रदेश। रोड कम्युनिकेशन साइना बॉर्डर तक टू लेन सब ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुका है, साइना बॉर्डर में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ऑलरेडी बना चुका है एंड वी नीड मोर टू डू, तो इसको हम चर्चा करेंगे, चर्चा करके अरुणाचल को एक विकसित अरुणाचल बनाने में कहीं कसर नहीं चलेगी। नई सरकार के साथ नई पॉलिसी आगे, आप अपनी पर्सनली अपने दिल से आप इस अरुणाचल लोगों के लिए ऐसा कुछ खास तय कर रखे हैं वो भी जानता जाना चाहिए। देखिए, जनता को ये मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी स्कूल्स बहुत से ऐसा जगह में अप टू मार्क नहीं है और हेल्थ भी इंटीरियर जगह में अप टू मार्क नहीं है, तो इसलिए हमारा तरफ से भी स्थान अरुणाचल को मैं ये देखना चाहूँगा कि एजुकेशन एंड हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें। एजुकेशन एंड हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे तो सोसाइटी अच्छा प्रोग्रेस होगा एंड समाज में अच्छा सुविधा होगा, यही मेरा भी टारगेट है। ठीक है सर, जते जते आपसे ये भी जानना चाहिए, इस बार आपकी विनिंग मार्जिन नंबर बहुत ही हाई है, तो इससे आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? मेरा विनिंग मार्जिन हाई का क्रेडिट बीजेपी कार्यकर्ता का और आम जनता पब्लिक जो मोदी को विश्वास करता है, जो पेमा खांडू जी को सोनामेन को जो विश्वास करता है, इन लोगों को मैं क्रेडिट देता हूँ। नाम का मैं एमपी बना हूँ लेकिन क्रेडिट उस कार्यकर्ता को जो जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करके बीजेपी को सपोर्ट दिया और विकसित अरुणाचल और विकसित भारत बनाने में सहयोग दिया, मैं इन लोगों को क्रेडिट देता हूँ।